जरदारी माफिया तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बल्ले ने फैटा मार दिया शेर को, अब बल्ला आ रहा है इंशाल्लाह सिंध तीर तोड़ने और पतंग काटने और उसका तागा लिपट के उनको फारिग करने। अल्लाह के करम से इस वक्त जो 246 यूनियन काउंसिल्स हैं कराची में, उसमें सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ बन के आई है, यानी कि 241 यूनियन काउंसिल्स में हमारे कैंडिडेट्स हैं। हमारे बाद जो जमात है उसमें और हमें कुछ तकरीबन 30 यूनियन काउंसिल्स का फ़र्क है, और जो ठेकेदार जमात है शहर की वो तो 175 से ऊपर गए नहीं, तो ठेकेदार बनते थे सो कॉल्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की राय सारी तहरीक इंसाफ के साथ है। उन्होंने देखा है कि जब हम हुकूमत में थे जो हमारा काम नहीं था वो भी हमने किया, यानी कि गटर नाले साफ़ कराए, बड़े बड़े कराची के नाले बनवाए, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं होता, किया। ग्रीन लाइन भी कंप्लीट कराई, KCR भी हो रहा है, K4 भी हो रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काम थे हमने किए, और ये जो 15 साल से बैठे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो आवाम तो PTI के साथ है, और अगर फेज़ वन में भी ईमानदारी से इलेक्शन होता और लोगों को धमकियाँ नहीं दी जाती तो हमारा रिजल्ट वहाँ भी बहुत अच्छा होता, लेकिन फेज़ टू में हमारी बड़ी अच्छी उम्मीद है हैदराबाद से, कराची से और दादू से। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आपको याद है कि खान साहब ने जब ऑफिस में थे प्राइम मिनिस्टर के, एक दिन एक अपने प्रोग्राम में कहा था कि मैं बाहर निकल के तुम्हारे लिए और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो वो तो हो गए और ख़तरनाक, और सारों को कल बल्ले ने फेंटा मार दिया शेर को, अब बल्ला आ रहा है इंशाल्लाह सिंध तीर तोड़ने और पतंग काटने और उसका तागा लिपट के उनको फारिग करने। काम करवाना आना चाहिए, हम करवा लेंगे। और सिंध में भी अगली, ये भी सुन लें आप, अगले इलेक्शन में सूबा सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, जरदारी माफिया तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।